कांग्रेस के विधायक करण दलाल ने गुरुवार को पलवल विधानसभा क्षेत्र के गांवों का दौरा कर फरीदाबाद लोकसभा सीट से पार्टी प्रत्याशी अवतार सिंह भड़ाना के पक्ष में वोट मांगे। गांव बसंतगढ़, किटवाड़ी, ताराका, खेड़ला, मीसा, लालगढ़, आयानगर, नंदावाला, कमरावती, होशंगाबाद, मुनीरगढ़ी, छज्जूनगर, रोनीजा, लोहागढ़, हरिनगर, अकबरपुर, नुक्कड़ सभाओं में पार्टियों की नीति के बारे में बताया तथा 12 मई को होने वाले मतदान दिवस पर कांग्रेस प्रत्याशी को वोट देने की अपील की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विरोधी प्रत्याशी किसी मुकाबले में ही नहीं है। किसानों के हितों की बात करने पीएम मोदी जनता के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। जिन लोगों ने मोदी को सर आंखों पर उठाकर प्रधानमंत्री बनाया, आज उन लोगों को आपस में लड़ाया जा रहा है। मजहब के नाम पर, जाति के नाम पर लड़ाया जा रहा है, उन्हें बांटा जा रहा है। सत्ता में बने रहने के लिए पीएम आपस में लड़वा रहे हैं। मोदी की गरीबी से लड़ने की जरूरत थी, गरीबों की मदद करने की थी। पीएम द्वारा सत्ता में बने रहने के लिए लोगों को आपस में लड़ाना पीएम का काम नहीं है। मोदी गरीबी से लड़ते मगर वो रोजगार घटा रहे हैं, जबकि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात की थी। युवा बेरोजगार हो रहे हैं। किसानों की आय को दुगना करने की बात करने वाले मोदी किसानों को लुटवा रहे हैं। देश के हित में और अपने इलाके के हक में बीजेपी को हम देख चुके हैं। बीजेपी व्यापारियों की पार्टी है, जो व्यापार में बेईमानी किया करते थे। आज राजनीति भी इनके हाथों में है। उन्होंने आरोप लगाया है कि राजनीति भी अपने हाथ में लेकर ये व्यापार कर रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कृष्णपाल गुर्जर पर आरोप लगाया कि उन्होंने 5 साल कोई काम नहीं किया है। गुर्जर चुनाव जीतकर ऐशो आराम करते रहे, लोगों के बीच जाकर काम नहीं किए, काम के लिए आने वालों को दुत्कारते रहे। इस बार भड़ाना की जीत होगी। मोदी के भ्रम को हमारे इलाके की 36 बिरादरियों की जनता इस चुनाव में तोड़ेगी। जो धोखा मोदी सरकार ने किया है, इस बार चुनाव में सबक सिखाएगी। जेजेपी, आम आदमी पार्टी व इनेलो का कोई वजूद नहीं रहा। वैसे हर पार्टी अपनी जीत का दम भरती है, लेकिन इन 3 दलों का कोई नाम लेवा नहीं है। इस अवसर पर उनके साथ पूर्व पार्षद बलराम गुप्ता, नारायण सैनी, महेंद्र इरफान, धर्मेंद्र सौरात आदि मौजूद थे। नहीं, गालियां देना ये प्रजातंत्र में अच्छी बात नहीं है, लेकिन प्रजातंत्र में लोगों के साथ विश्वासघात करना एक बहुत बड़ा अपराध है जो मोदी जी कर रहे हैं। जिन मोदी जी को देश के सभी धर्मों ने, सभी 36 बिरादरी के लोगों ने सर आंखों पर बिठा करके देश का प्रधानमंत्री बनाया, आज वो देश को जातियों में बांटने की साजिश कर रहे हैं। आज उनकी पार्टी जाति और धर्म की राजनीति कर रही है, हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रही है, जाट गैर जाट की राजनीति कर रही है, बैकवर्ड और दलितों को आपस में लड़ाया जा रहा है, शहर और देहात को आपस में लड़ाया जा रहा है, किसान और मजदूर को आपस में लड़ाया जा रहा है। तो ये प्रधानमंत्री का काम नहीं होता है। प्रधानमंत्री को ज़रूरत थी देश की गरीबी से लड़ता, गरीबों के हालात को ठीक करता। किसानों की आय को दुगना करने की बात कहने वाले प्रधानमंत्री, आज किसानों के साथ अन्याय हो रहा है और वो बोल भी नहीं रहे हैं। 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने की बात कही थी मोदी जी ने, आज रोजगार उल्टा घट रहा है। नोटबंदी ने देश को बर्बाद कर दिया, GST लगी हुई है, गरीबों के राशन नहीं मिलते, बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिलती, गरीबों के वजीफे नहीं मिलते। तो ये सारे देश के अंदर जो माहौल मोदी जी ने बनाए हैं, वो अपनी सत्ता में बने रहने के लिए, अब जो देश में जो धार्मिक अनुवाद और जो जातियों की जो झगड़े जो करवाना चाहते हैं, इन्हें हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। और इसीलिए लोगों से हम अपील कर रहे हैं कि देश के हित में और अपने इलाके के हित में बीजेपी को हम देख चुके हैं। बीजेपी व्यापारियों की पार्टी है, जो व्यापार में बेईमानी किया करते थे, आज राजनीति भी इनके हाथों में है। तो राजनीति को अपने हाथों में लेकर के आज भी ये व्यापार कर रहे हैं, लोगों के काम नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए हमें बड़ी बेहद खुशी है कि तमाम इलाके के अंदर ये जानकारी लोग अब मान रहे हैं, और आने वाली 12 तारीख को इस बीजेपी का सफाया हमारे इलाके से होने जा रहा है। कृष्णपाल गुर्जर ने यह कहा कि छलनी सो बोले जिसमें 72 क्षेत्र कांग्रेस के सभी नेता भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, उनके परिणाम भी सामने पिछले चुनाव में भी आ चुके हैं, इस चुनाव में फिर जनता उनको सबक सिखाएगी। नहीं, अगर किसी ने कोई ऐसा गलत काम किया है तो इनको रोक कौन रहा है, मुकदमे बनाए, इनके पास सरकार है, प्रशासन है। ये खाली कहकर के लोगों को गुमराह कर रहे हैं,
बेईमानी का जो जनाजा है वो तो आज बीजेपी के घरों में निकल रहा है। बीजेपी के नेता जो भूखा मरा करते थे आज खजाने को लूट रहे हैं। हर ठेका, हर गली नाली का ठेका, हर बिल्डिंग का ठेका, हर सरकारी कारोबार का जो काम है, धंधा है, वो बीजेपी के लोग कर रहे हैं। बेईमानी तो आज ये कर रहे हैं। कृष्णपाल गुर्जर का ये भी कहना है कि चुनाव सिर्फ 10 बजे तक का है, उसके बाद ढोल तो के नाम में कृष्णपाल गुर्जर के बजेंगे, मोदी के नाम के बजेंगे। चुनाव तो 5 साल का हुआ करता है, कृष्णपाल जी को ये बात याद रखनी चाहिए। जब उनको बना के भेज दिया था तो चुनाव तो उस दिन शुरू हो गया था जिस दिन वो बन गए थे। बनने के बाद लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना, ये चुनाव की मर्यादा है, ना कि चुनाव जीत करके ऐशो आराम करना, लोगों में धन्यवाद तक ना करने जाना, गांव के गांवों की को अपमानित करना, ये कोई चुनाव की मर्यादा, प्रजातंत्र की मर्यादा नहीं होती। दलाल साहब की आपने कहा कि चुनाव प्रचार में केवल पलवल क्षेत्र की जिम्मेवारी लूंगा, ली भी पलवल क्षेत्र की है, कितने वोटों का अंतर रहेगा? आप क्या पलवल से कितने वोटों से जीतेंगे अगर जीतेंगे तो? देखिए, मुझे अब जितने मैं गांवों में जा रहा हूँ, शहर में जा रहा हूँ, तो जो एक मोदी जी के नाम पर लोगों में एक भ्रम था, अब वो भ्रम स्पष्ट टूटता नजर आ रहा है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि इस चुनाव में मोदी जी के भ्रम को इस हमारे इलाके के 36 बिरादरी के लोग जरूर निकालेंगे। जो धोखा इस इलाके के साथ हुआ है, जो गरीब और किसान नौजवानों के साथ जो मखौल इस बीजेपी की सरकार ने किया है, इस चुनाव में बीजेपी को उसका मजा चखाएंगे। आम आदमी पार्टी का आज रोड शो है पलवल में, क्या रहेगा, आपको क्या लगता है, उनको समर्थन मिल रहा है? आम आदमी पार्टी का कोई हमने इलाके के अंदर ऐसा कोई जिक्र सुना नहीं। बाकी हर पार्टी अपना दम भरती है, वो अपना जो भी उनसे प्रचार हो रहा है वो कर रहे हैं, हमें कोई इतराज नहीं। इन्हें लोग के कैंडिडेट हैं महेंद्र सिंह चौहान, महेंद्र सिंह चौहान पलवल क्षेत्र से हैं। उनका ये दावा है कि पलवल विधान, पलवल हाथीन होडल तीनों क्षेत्रों में हम आगे निकलेंगे दूसरे प्रत्याशी से, उनके दावे में कितनी सच्चाई है? महेंद्र चौहान हमारा भाई है और वो अपनी पार्टी के जो चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें पूरा हक है कि वो हर इलाके में जाएं, समर्थन मांगें। अब ये इलाके के लोगों ने देखना है कि वो उन्हें कितना मत देते हैं, वरना जो दिखाई दे रहा है उसमें INLD JJP हरियाणा में आज ख़त्म होती जा रही है।